स्टूडेंट श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। आज जो है वो अपन जो अपना ऑर्डर होता है ग्रुप के लिए कोई भी एलिमेंट के लिए उस पर अपन थ्योरम पर बेस्ड जो है वो थ्योरम्स अपन कर रहे थे, उनके जो प्रूफ है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी वीडियो में अपन एक और थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये सारी जो थ्योरम्स मैं आपको करवा रही हूँ एग्ज़ाम की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। इनके प्रूफ जो होते हैं वो आपसे एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट पूछ जाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो अपनी थ्योरम है इसको अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर थ्योरम के अंदर GCD को यूज़ किया गया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, ठीक है। इसमें इसने कहा है कि इनका कोई दो अपने को यहाँ पे एक अपने को ग्रुप दे रखा है और उस एक ग्रुप का क्या दे रखा है अपने को एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। ग्रुप का एक एलिमेंट दे रखा है ए, ठीक है, और उसकी कोटि कितनी दे रखी है एन दे रखी है। यहाँ लिख लेती हूँ किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि एन है, तब अपने को यहाँ पे दिखाना है कि ए की पावर जो पी होगा उसकी कोटि भी कितनी होगी एन, ए की पावर पी की कोटि एन के बराबर है, एन के बराबर होगी। क्लियर है? इस तरह से अपने को ये स्टेटमेंट है दे रखा है। यानी अगर अपन दोनों की इसकी बात करते हैं, कोटि की बात करते हैं, तो ए की कोटि और ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी की कोटि दोनों की कोटि कैसी है, इक्वल है। तो अपन प्रूफ करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं, माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है मेरा एम है, और ऑर्डर ऑफ है ए की पावर पी ये कितना है मेरा एन है। तो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है एम इक्वल्स टू एन, तो सिद्ध करना है m इक्वल्स टू n, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर प्रूफ है करना है। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से? तो इस तरह से हमने यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे इसके लिए ये जो वैल्यू है इसको लेते हुए चलेंगे और अपन दिखाएंगे कि इसकी पावर को अगर अपन अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर अपना क्या रहता है। तो यहाँ पर अपन जब स्टार्ट करते हैं तो अपन इसमें लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ a जो है, माना सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, ऑर्डर ऑफ ए तो अपने को एन दे ही रखी है और इसको मैं जो है वो एम है मान लेती हूँ। ये मेरा माना हुआ है, ये तो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ए की कोटि कितनी है मेरी एन है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे मान लिया है। क्लियर है? इस तरह से अपन ध्यान से स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ये हो गया। अब अपने को प्रूफ करना है m इक्वल्स टू n। तो m इक्वल्स टू n अपन किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो मुझे जो पहले दिया हुआ है इसको लेते हुए चलूँगी। ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n ले लिया, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर n इज इक्वल्स टू e। होता है या नहीं होता है? होता है ना, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या लूँ, यहाँ मुझे p के लिए रिलेशन देखना है, तो मुझे यहाँ पे पावर p को मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ पावर p अप्लाई कर देती हूँ। तो एक की पावर n है, इसकी पावर p और e की पावर भी क्या हो जाएगा p, ठीक है। तो देखिए अपना क्या आएगा। अब देखिए, ये तो बन गया एक की पावर n p, ठीक है, और ये e की पावर p। आइडेंटिटी एलिमेंट की आप कोई भी पावर ले लो, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही आता है, तो ये आ जाएगा e। अब देखिए, ये जो पावर है इसको मैं ब्रेक करके किस तरह से लिख सकती हूँ, ए की पावर पी को मैंने अंदर ले लिया और ऊपर क्या ले लिया एन ले लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी लेस देन इक्वल होगा किसे एन से, हाँ या ना, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखिए आ गया, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी मैंने कितना माना हुआ है, एम माना हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम लेस देन इक्वल एन। ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब ये बराबर होगी, इसके लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, यदि यदि पी व एन सापेक्षिक अभाज्य है, इसके लिए कंडीशन दे रखी है, ठीक है।
ये बराबर कब होंगे, दोनों की कोटी जो है वो इक्वल कब होगी, जब पी और एन जो है वो आपस में कैसे होंगे, सापेक्षिक अभाज्य यहाँ पर होंगे, तब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इनकी पावर जो है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो है वो अपन दूसरी कंडीशन को यहाँ पर लेके चलेंगे और यहाँ पर अपन प्रूफ करेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ये तो अपन ने पहले वाली कंडीशन से निकाला था जिसमें अपने को दे रखा था ऑर्डर ऑफ ए इजिकल्स टू एन, मैंने वहाँ से निकाला। अब दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है, मैं इसकी हेल्प से जो है वो अपन यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे कि क्या रिजल्ट अपना बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यदि P व N सापेक्षिक अभाज्य है तब, P और N अगर मेरा सापेक्षिक अभाज्य है तब मैं क्या लिख सकती हूँ, वन इजिकल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने दो एलिमेंट ले लिए X और Y, पी एक्स प्लस क्यू एन क्यू, इस तरह से अपन इसको लिखेंगे P और X दोनों के लिए, सॉरी क्यू नहीं एन, ठीक है, पी एक्स प्लस एन वाई, मैंने दो यहाँ पे लिया है जहाँ X कॉमा वाई क्या है, पूर्णांक है, कोई इंटीजर मैंने यहाँ से उठाए हैं, ठीक है। तो अगर सापेक्षिक अभाज्य की कंडीशन होती है तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको दोनों तरफ से क्या करवा देते हैं, ए पर ऑपरेट करवा देते हैं, इस तरह से लिख लिया, दोनों तरफ से मैंने क्या करवा दिया, इसको ए पर ऑपरेट करवा दिया, तो इधर तो क्या बना मेरा, ए ही बना, और इधर जो है वो क्या बन गया, मैंने अलग अलग करके लिख लिया पी एक्स और एन वाई, ठीक है, ऐसा इसको लिख लिया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, इधर तो a है, a की पावर पी एक्स ये तो है, अब a की पावर n को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये मैंने तोड़ के ब्रेक करके इसको ऐसे लिख लिया। अब अपन जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो मेरा n दिया हुआ है, तो उस केस में a की पावर n इजिकल्स टू क्या होता है, e होता है, तो ये यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं, तो एक इक्वल है a की पावर पी एक्स है, और इसकी जगह क्या हो गया e और इसकी पावर y। अब e की पावर आप चाहे कुछ भी ले लो, आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर अपन कुछ भी ले लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही आता है, ठीक है। a की पावर n इजिकल्स टू e जो है वो कहाँ से आया है, ऑर्डर ऑफ a इजिकल्स टू n से अपन ने लिखा है इसको। अब देखिए अपने पास बन गया, इधर तो a है और इधर है पी एक्स है, मैं दोनों तरफ क्या करवा देती हूँ, मैंने जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी थी उसको मैंने क्या माना था, एम माना था, तो मैं दोनों तरफ क्या करवा देती हूँ, एम को ऑपरेट करवा देती हूँ। तो मैंने इस तरह से लिख लिया ए की पावर, दोनों तरफ मैंने एम को ऑपरेट करवा दिया, ठीक है, पावर की फॉर्म में मैंने एम को ऑपरेट करवाया। तो देखिए अपना क्या बनेगा, जब अपन इसको ऑपरेट करवाएंगे तो अपन ने क्या माना था, देखो अभी लिखते हैं, अपन ने माना था कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इक्वल टू एम माना था, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर पी की पावर एम जो है वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। तो बस अपने को इसी तरह से तोड़ना है इसको। अब ये ए की पावर एम तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर पी और m लिख सकती हूँ, और x को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, a की पावर एम पी इक्वल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ से e लिख सकते हैं अपन इसको, तो मैंने इसको क्या लिख दिया e, और e की पावर में क्या चल रहा है मेरा, x चल रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अपन पावर में कुछ भी ले लें उससे अपने पास में रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ से आ जाए a की पावर m इजिकल्स टू e आ गया मेरे पास, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल है एम, और ऑर्डर ऑफ ए क्या था, एन था, तो एन लेस देन इक्वल है एम, ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर टू जो है वो मेरे पास फाइंड आउट हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन और टू इन दोनों से अगर अपन देखते हैं तो एक में तो अपन ने आया था एम लेस देन इक्वल एन, और दूसरी में क्या आ गया अपना एन लेस देन इक्वल एम, इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से लेस देन नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के
इक्वल जो है वो मेरे डिफाइन है हो जाएंगे। ठीक है, तो आता है समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से अपन क्या लिख लेंगे इनको, n इक्वल्स टू m, यानी ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, कब है, जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सापेक्षिक अभाज्य होते हैं। बस आप इस कंडीशन को यहाँ पे याद रखिएगा कि जब अपन सापेक्षिक अभाज्य की कंडीशन होती है तब अपन किस तरह की इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने सापेक्षिक अभाज्य के लिए 1 बराबर पी एक्स प्लस एन वाई ये इक्वेशन मैंने मानी थी। पी और एन में जब सापेक्षिक अभाज्य की बात होती है तो मैंने ये इक्वेशन यूज़ करते हुए इसको निकाला। बस ये हिंट है, आप इसको याद रखिएगा। बाकी थ्योरम के अंदर जिस तरह से अपन थ्योरम में आगे से आगे चलते जाएंगे, अपने आंसर्स जो है वो अपने इस तरह से बनते जाएंगे। तो ये अपनी एक और थ्योरम थी किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब कल जो है वो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर और थ्योरम जो है वो सारी ऑलमोस्ट अपनी ख़त्म हो चुकी है ऑर्डर के लिए। कोई एक दो और बची होगी तो वो मैं आपको कभी और टाइम मिलेगा तो करवा दूंगी। इसके अंदर अपने ही जो मोस्ट थ्योरम थी वो अपन ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो जितनी भी मैंने आपको थ्योरम्स करवाई है वो सभी आपकी एग्ज़ाम की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको पढ़िएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।